अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन चटनी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल वे में तैयार होती है। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्लेंडर में मैंने कच्चे आम जो कि छोटे छोटे दो मेरे पास थे वो मैंने पील ऑफ करके बारीक काट के ब्लेंडर में डाल दिए और इसके साथ ही मैंने तकरीबन एक कप हरा धनिया और दो अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती इसको डाल देना है और साथ ही दो अदद मैंने लहसुन के जवे इसको भी पील ऑफ कर दिया था ये डाल दिए। और इसके अलावा इस चटनी में जाएगा हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत नमक। ये शामिल करके तो आपने इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। अगर ये अच्छे से ब्लेंड ना हो चटनी तो हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस मुनासिब सा थोड़ा सा आपने शामिल करना है जिससे स्मूथ सी पेस्ट इसकी इजीली बन जाए। तो ये चटनी हम अपने एक तो डेली रूटीन में खानों के साथ शामिल करें तो ज़बरदस्त किस्म का मज़ा देती है तमाम खानों को। और इसके अलावा हम इसको बारबेक्यू में, शॉर्मे में और सैंडविचेस में, इवन के चाट में भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा पतला करके। तो आप भी ये रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई करें और दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।